के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति कालू कौवा दिन भर टूनी चिड़िया से झगड़ता रहता था और उसे पीटता रहता था। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, देख अगर तूने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये आप हर समय मुझे इस तरह क्यों बोलते रहते हैं? बेटा और बेटी पैदा करना आपके या मेरे हाथ में थोड़ी ना है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान कुछ नहीं जानता, मुझे तो अब बस बेटा ही चाहिए। उस समय टूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। अचानक एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंडे देते समय उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी बहू के साथ क्या हो गया? मैंने अपने बेटे से मना किया था कि बहू को इतना मत सताया कर, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मेरी छोटी सी बच्ची टुनटुनी चिड़िया को कौन देखेगा? अरे पिताजी, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रास्ते का कांटा कट गया। मैं कल दूसरी शादी करूँगा। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अभी तेरी पत्नी की अर्थी भी नहीं उठी और तू दूसरी शादी के लिए बात कर रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अगले दिन ही कालू कौवा सुंदरी नाम की कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तुझे देख रही हूँ, तू इस बॉल से कब से खेल रही है और घर का एक भी काम नहीं कर रही है। 15 दिन से मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन तू तो इस बॉल से दिन भर खेलती रहती है। मैं कह देती हूँ, आज के बाद तू इस घर का सारा काम करेगी, मैं एक भी काम नहीं करूंगी। इतना सब कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। माँ मत मारो मुझे, मुझे मत मारो माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। माँ मुझे मत मारो। आज से तुझे घर का सारा काम करना है, तुझे मेरे कपड़े धोने हैं, खाना भी पकाना है और बर्तन भी तुझे ही धोना है। ठीक है माँ, मैं सब कुछ करूंगी। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आता है। तू इसे मार क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता। ए जी, तब से घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ और एक ये है कि बॉल के साथ लेकर कभी यहाँ जा रही है तो कभी वहाँ जा रही है। क्यों नहीं टुनटुनी, तू दिन भर बॉल से खेलती रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। मारो इसे और मारो, दिन भर काम करते करते मेरा हाथ दुख जाता है और ये बस खाने के समय पहुंच जाती है। शोर की आवाज़ सुनकर कड़कनाथ वहाँ आता है। अरे तुम दोनों इसे क्यों मार रहे हो? क्या किया इसने? मारे नहीं तो और क्या करें? दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है और घर का काम एक भी नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। पिताजी तुम इन सब झमेले में मत पड़ो, आज से टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करेगी। लेकिन बेटा उसे पढ़ना लिखना भी तो है, जब घर का ही काम करेगी तो पढ़ेगी लिखेगी कब? चुप, बिल्कुल चुप पिताजी, अब से आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद, ये घर के काम करेगी। अगर आपको इसका काम करना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा ठिकाना देख लीजिए। हे भगवान, इस बिना माँ की बच्ची की रक्षा करना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आता है, वो बिना काम किए ही सो जाती है। जब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेटी हुई देखती है तभी उससे कहती है, अरे तू यहाँ सोई है और घर के सारे काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। मेरी माँ का नाम क्यों ले रही हो? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया, आज का माफी कर लीजिए। मेरे सामने बहाना मत बना, चल उठ और जाकर सारा काम कर। तभी कालू कौवा ऑफिस से घर आता है। देखिए जी, आपकी बेटी बहाना करके यहाँ सोई हुई है और कह रही है कि इसकी तबीयत खराब है, आज तो इसने खाना ही नहीं बनाया, आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तेरी इतनी मजाल टुनटुनी चिड़िया। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को झाड़ू से पीटने लगता है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है और कालू कौवे को जोर से थप्पड़ मार कर उससे कहता है, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के साथ मिलकर तू अपनी ही बेटी को मार रहा है, ये तो देख उसकी कितनी तबीयत खराब है, अब हम एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे, मैं टुनटुनी को लेकर इस नर्क से जा रहा हूँ। कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को नदी पार वाले जंगल ले जाता है और वहीं पर एक घोंसला बनाकर दादा पोती उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।